व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी की उदारता का पाकिस्तान हुआ दीवाना। सो डाउन टू अर्थ मोदी जी। तो वीडियो देखते पूरी, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, टी सेलर, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नो, आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो नीचे से जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उठाना। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया देख। एक ऐसे वक्त में जब हमसाया मुल्क भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां 28 अरब डॉलर की बरामदात करती हैं, नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। जो वो अपने आप को अमीर ज्यादा समझते थे, पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा है। पैलेस्टीन इज थैंकफुल टू इंडिया, के पैलेस्टीन इंडिया का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है। ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया, इंडिया, ये इतना एडवांस हो गया। इस साडी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा भाई, जय जय श्री राम लिखते रहो के उत्ते ला दो। ठीक है जनाब, इंडिया में देखें नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान में करेगा नहीं, ही करेगा। पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा, भुट्टो फैमिली का एलीट का कब्जा। हां वो तो भुट्टो फैमिली। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये वीडियो शेयर होनी बनती है को मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीजों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, इज डूइंग दिस, इज डूइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो नीचे से जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उठाना। अब ये जो क्या नाम है इनका, मोहन यादव जो है, इनकी ये 3 time MLA रह चुका है। पहली बात है मध्य प्रदेश में, ये फिर अपनी सीट यहां से जीत गया। एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर रहा है मध्य प्रदेश में। किस तरह ये नीचे से लीडरशिप को ऊपर लेके आते हैं। मुझे याद है इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो थे, उन्होंने पंजाब के अंदर एक इंतहाई नालायक शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ओ भैया, और मैं सही वर्ड यूज कर, तो मुझे किसी एक इमरान खान के सपोर्टर ने कहा देखें किस तरह मिडिल क्लास को ऊपर लेके आ रहे हैं। मिडिल क्लास को इस तरह ऊपर नहीं लेके आते कि आप यकदम एक अननोन बंदे को आप पावर दे दें, ना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो नालायक है, उसके अंदर एजुकेशन कोई नहीं है, उसको स्टेट रन करने का तजर्बा नहीं है, 11 करोड़ लोगों के ऊपर आपने उसको बनाई दी। मिडिल क्लास का ये तरीका है, वो 3 दफा का MLA एक्सपीरियंस मिनिस्टर बनाया, उसने काम किया, उसको पता चला पार्लियामेंट कैसे चलती है, काम देखा हर एक चीज है, और फिर आप उसको उठा के तो लीडरशिप का रोल दे देते हैं। इस साड़ी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा। लकी ड्रॉ थोड़ी चल रहा है, ये बड़ा बंदा भी देखा जाता है। ला दे। बिल्कुल ठीक है जनाब, इंडिया में देखें नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, हम उसको 50 दफा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसने किस तरह, और यादव जो है, ये जो मोहन यादव जो कि CM साहब नए बने हैं, आप इमेजिन करें ही इज वेरी क्लोज टू RSS, प्रोमिनेंट लीडर हैं OBC के। OBC मींस जो कि अदर बैकवर्ड क्लास है, ये एक टर्म है बेसिकली इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए। और आपको पता है कि जो इस स्टेट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48% जो स्टेट की पॉपुलेशन है दैट इज OBCs इन मध्य प्रदेश, यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निजाम को झंझोड़ दिया कि खुद वो कहता जी मैं तो चाय वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचता था और मैं वजीर आजम बना,
लेकिन मैं चाहे लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़ के दिखाया. सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहाँ के कहाँ लेके कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं. दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लीडरशिप. आप लीडरशिप ऐसे क्रिएट करते हैं. और इधर हमारे यहाँ पे बाप सदर, वजीर आजम, नाना सदर, दादा सदर, वालदा वजीर आजम, वालद सदर, अगुआ आप वजीर आजम, राजा का बेटा राजा वाली बात चलती मतलब है. हमारे यहाँ तो लुट पई है ना, लुट पई है. लेते अब आप इमेजिन करें लुट मची हुई है हमारे यहाँ. और पाकिस्तान में कोई सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तो नहीं. कोई पैदा होता और इस तरह ये बनेगा इतने साल बाद भी हो, उसके अंदर कैपेसिटी भी हो. ये नहीं है कि आप उसको सीएम बना दें तो ओ बेचारे दे हाथ पैर काम दें. चलो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी स्टेट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट आस्क एवरी स्टेट कि वो क्या कर रहा है. वहां पे स्टेट अपना काम कर रही होती है एंड दे हैव द पीपल देयर. कि ये कैसे मुमकिन है यार, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है. हमारी वो पीपल्स पार्टी का मैं अक्सर कहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्या करती है, पीपल्स पार्टी एक हिंदू जो खातून थी उसको सेनेटर बना दिया और फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स की. क्या देखिए जी, हम तो गरीबों को भी एम्पावर कर रहे हैं, हम तो इसको भी एम्पावर कर रहे हैं. इट्स गुड, करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए. इट्स नॉट दैट दे रियली लाइक दैट इट शुड गो डाउन डीप. अगर ये ऐसे हो तो ये अपनी पार्टी में आज़ादी रहे. और साथ में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी टफ टाइम दिया और अब कांग्रेस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा. ठीक है ना जनाब. सो ये है वो पॉइंट. मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ दे डू इट. वो विजन लेके चल रहा है ना कि देश को सबसे ऊपर लेके जाना है इस टाइम पर, कि हमारे लोग नहीं बिठाते रहेंगे तो फिर तो हो लिया. ठीक है जी, अभी ये जो रीजनल इलेक्शंस हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी व्हिच इज कॉल्ड एज हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है जी, उन्होंने स्वीप कर लिया हर चीज. भाई पता क्या, काफी बार ये देखा गया है कि शुरू में आज से बहुत सालों तक ये था कि नॉर्मली जो पैसे वाला इंसान है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, या कोई रियल एस्टेट का आदमी है, या कोई बिजनेस चलाता है, वो एमएलए की टिकट लेते थे, एमपी की टिकट लेते थे, या फिर इलेक्शन लड़ते थे. ठीक है, लेकिन अब मोदी जी ने भी देखा कि लोग भी किनसे रिलेट कर पाते हैं. मोदी जी से कहीं ना कहीं लोग इसलिए रिलेट भी कर पाए कि उन्होंने देखा कि एक आम आदमी हमारे बीच से उठकर आज इस सफर पे है. वो कहता ना चाय 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 बेचने वाला, भाई वो बात चाय बेचने की नहीं होती है, बात ये होती है कि वो स्ट्रगल किस तरीके से करके उस मुकाम तक पहुंचे. और एक वो होता ना कि खुद को मोटिवेट करना कि भाई देखो मेरे को तो इसमें जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है और काम अच्छा करना है. आज वो देख लो कैसे लोगों को भी आगे लेके आ रहे हैं और किस तरीके से वो स्किल्ड जो पोस्ट जो होती है, हाई पोस्ट होती है, जैसे अब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, तो उन पे लेके आ रहे हैं. लेकिन ऐसे नहीं कि रातों रात उठाया कि अच्छा तुम्हारा मन है इलेक्शन लड़ो जीतो. नहीं, उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते हुए आए. राजा का बेटा राजा वाली वो नहीं. और यही मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस में खामियां लगती है. कांग्रेस का विजन ही नहीं दिखता मुझे, मुझे नहीं दिखता पर्सनली. मुझे लगता है कि उन्होंने ये बना ली कि कोई खानदान का ही बनता रहेगा, खानदान का ही बनता है. आपको लीडर चाहिए यार, आपको कोई जैसे पाकिस्तान का मैं कहूंगा वहां भुट्टो की फैमिली देख लो, कोई ना कोई आप में कैपेबिलिटी है. ठीक है, हर एक चीज ठीक है, लेकिन आप जब तक एक पार्टी का लीडर जो होता है ना, वो एक हमेशा एक फैमिली का नहीं हो सकता. आप अध्यक्ष बना सकते हो पार्टी का, मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट हो गया उस तरह, लेकिन जब देश की बात आती है तो अगर हमें लगता है कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे किसी से, तो आपको लीडर्स लाने पड़ेंगे. जब तक कि लोग एक लीडर से अटैच नहीं फील करेंगे, फिर बातें नहीं समझेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बात फर्क पड़ जाता है. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं इस बारे में. बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज जानकर. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना. बाय, टेक केयर.